दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनों काम आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 28 अक्टूबर 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। जनरल सिंह एक्शन में, लाखों का सट्टा करते चार सटोरिये पकड़े गए, एक दिन के रिमांड। वन्य जीवों की याद में 21वें वर्षवार श्रद्धांजलि और हवन जागरण का कार्यक्रम, जीव प्रेमियों ने लिया भाग। श्री डूंगरगढ़ से जाकर मोहम्मासर में अवैध शराब बेचने वाले दो युवकों को भेजा जेल। तोलियासर दुर्घटना में मामला दर्ज, भगाई गई गाड़ी जब्त की गई। कोविड का खतरा जारी, 50 सैंपल लिए गए। ये थी आज की खास सुर्खियां, विस्तार से चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। एक इंस्टेंट गीजर है जिसमें सबसे पहले आप टैप में पानी ऑन कर दीजिए, गीजर को कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही आप पानी ऑन करेंगे इंस्टेंटली गर्म पानी आपको मिलेगा, आपको सेकंड्स का भी वेट नहीं करना है। ये एक पोर्टेबल गीजर है जिसे आसानी से आप बाथरूम से किचन में ले जा सकते हैं और दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल है, ये शॉक प्रूफ है और ये आता है ISI मार्क के साथ, साथ साथ ये रस्ट प्रूफ भी है। तो अब भूल जाइए वो बड़े वाले गीजर और बड़े वाले बिजली के बिल को और घर ले आए ये इंस्टेंट गीजर। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। श्री डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा मंगलवार रात्रि को कस्बे के कालूबास स्थित सुभाष प्रजापत के मकान में हैदराबाद दिल्ली के IPL मैच पर सट्टा करवा रहे कालूबास के ही निवासी गजानंद प्रजापत, गिरधारी सिंह राजपूत, मुरली मनोहर सारड़ा और कूच बिहार बंगाल निवासी प्रदीप राठी को गिरफ्तार कर उनसे 33.51 लाख से अधिक रूपए के सट्टे का हिसाब भी जब्त किया है। आरोपियों से एक डायरी, एक लैपटॉप, LED सेटअप बॉक्स और 10 मोबाइल जब्त किए गए, लेकिन मौके से एक आरोपी सुभाष प्रजापत भाग छूटा। इन सटोरियों पर प्रभावी कार्रवाई करने एवं सट्टे के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं ये जानकारी निकलवाने के लिए सटोरियों को न्यायालय में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। श्री डूंगरगढ़ थानाधिकारी प्रशिक्षु RPS जनरल सिंह ने बताया कि मौके पर दो लाइनों के माध्यम से सट्टे की खाईवाली की जा रही थी एवं एक लाइन सरदार शहर व एक लाइन सांडवा से ली हुई थी। आरोपियों ने फर्जी ID से मोबाइल सिमें निकलवा रखी थी। आरोपी द्वारा PNB एवं एक्सिस बैंक के खातों के माध्यम से सट्टे के पैसों का लेन देन कर रहे थे। सटोरियों को पकड़ने वाली टीम में जनरल सिंह के साथ कांस्टेबल पुनीत कुमार, तेजपाल, दिनेश एवं ड्राइवर रामनिवास शामिल रहे और मौके से फरार हुए सुभाष प्रजापत को ढूंढा जा रहा है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1999 को हुई शिकार घटना में जान गंवाने वाले 27 हिरणों और 3 मोहरों की 21वीं पुण्यतिथि पर जीव प्रेमियों द्वारा जागरण और हवन से श्रद्धांजलि दी गई। बिदासन रोड पर स्थित वन्य जीवों की समाधि पर जीव रक्षा संस्था द्वारा मंगलवार रात को जागरण आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य बीरबल राम, राजा राम, किशन लाल, कैप्टन कृष्णा लटियाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। जीव रक्षा संस्था के तहसील अध्यक्ष रामरतन धारणिया, कैलाश धारणिया, चुनीलाल टाडा, हरिनाथ सिद्ध, पूर्व सरपंच उपनी भगवानाराम गोदारा उपनी, हंसराज धारणिया सूरतगढ़, रामनिवास ऋषभ शोभित व सावतसर के ग्रामीणों ने वन्य जीवों को श्रद्धांजलि दी। बुधवार सुबह हवन आयोजित किया गया जिसमें विश्व कल्याण की आहुतियां गांव मोहम्मासर जाकर अवैध रूप से शराब बेच रहे दो जनों को श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जनरल सिंह ने बताया कि आरोपी श्री डूंगरगढ़ कस्बे के आरसरबास निवासी फूस सिंह राजपूत और मोहम्मासरबास निवासी राकेश सारण यहां से जाकर शराब बेच रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर उनसे 8 कार्टूनों में 128 पवे देसी और 102 पवे अंग्रेजी शराब और 17 केन बियर भी जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा गया, पर न्यायालय ने दोनों जनों को बीकानेर जेल में जेसी करने का आदेश दिया है। दोनों आरोपियों को कोविड टेस्ट करवाकर गुरुवार को जेल में मंगलवार को स्टेट हाईवे 6 पर तेज गति से चल रही एक फॉर्चूनर गाड़ी के चालक द्वारा
गांव तोरियासर के बस स्टैंड पर गांव के ही एक युवक को टक्कर मारने के प्रकरण में पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज कर लिया है। मृतक युवक रणधीर सिंह के मामा ने गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गांव के भांजे की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसकी विधवा मां के हालात देखकर पूरा गांव गमगीन रहा। वहीं दूसरी ओर मौके पर से टक्कर मारकर भागी गाड़ी को सरदार शहर में नाकाबंदी करवाकर पकड़ लिया गया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में कोविड प्रसार का खतरा अभी भी चिंतनीय स्थिति में है। यहां पर चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। आज भी राजकीय चिकित्सालय में सैंपल लिए गए और सैंपल देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कर केवल सिम्टम्स वाले रोगियों एवं हाई रिस्क में आने वाले 50 लोगों के ही सैंपल लिए गए। वहीं दूसरी ओर कोरोना से अपने चाचा व मित्र की मृत्यु को नजदीक से देखने वाले और खुद कोरोना संक्रमित होकर उपचार लेने वाले कस्बे के नागरिक एवं जयपुर प्रवासी कैलाश सोमाणी ने श्री डूंगरगढ़ वासियों को खुला पत्र लिखकर कोरोना की भयावहता से अवगत करवाया है एवं सावधान होकर क्षेत्र को बचाने की अपील की है। आप भी यह पत्र हमारे पोर्टल पर पढ़ सकते हैं। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।